क्लास सिक्स का सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर इंटीजर्स एक्सरसाइज 6.3। आज हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है, उसका पहला वाला क्वेश्चन करेंगे फाइंड। क्या फाइंड करना हमने, पहले है सॉल्यूशन लिखेंगे, या सॉल्यूशन फर्स्ट ए पार्ट। यू हैव टू फाइंड ए 35 माइनस 20, यानी कैसे इज इक्वल टू 35 में से, ये बीच में देखो जो ब्रैकेट के बीच में 20 है तो उसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से सबसे पहले, और माइनस ये प्लस ही है ना, ठीक है ना, यहाँ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस है, ये प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। 20 इज इक्वल टू 35 में से 20 निकालो तो क्या निकलेगा, 15 इज आंसर, ठीक है। अब करना है हम इसका बी पार्ट, देखो बी पार्ट क्या है, 72 माइनस अगेन 90, यानी कि 7 इज इक्वल टू 72 में से हमने माइनस प्लस माइनस ये ब्रैकेट हटा के 90 में से 72 निकालो तो कितना आता है, यहाँ पे करेंगे 90 माइनस 72 कितना आता है, 10 में से 2 8, यहाँ क्या रह गया 8 में से 1 है ना 18, तो आएगा 18, लेकिन बड़े वाले का साइन यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा, माइनस 18 इज योर आंसर, ठीक है। देन कम्स योर सी पार्ट, यहाँ पे करते हैं सी पार्ट, ठीक है, माइनस 15 माइनस माइनस 18। देखो अब सबसे पहले हमें इनको ब्रैकेट्स में से बाहर निकालना है, माइनस 15 दिस इज माइनस 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 इज प्लस 18, तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस ही होगा, माइनस है ये प्लस है, मैंने कभी आपको बताया माइनस प्लस क्या होता है, माइनस यानी 18 माइनस 15 कितना होता है 3, एंड 3 इज योर आंसर, क्योंकि यहाँ पे छोटे का साइन माइनस है, बड़े का प्लस है, तो उसको बड़े का ही साइन आएगा। फिर हो गया आपका डी पार्ट, क्या है, माइनस 15 सॉरी प्लस 20 देन माइनस 13, ओके, सबसे पहले ये ब्रैकेट सामने हटाने हैं, माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस प्लस इज माइनस 13 इज इक्वल टू, अब यह माइनस माइनस है, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है प्लस, तो क्या आएगा 20 प्लस 13 कितना होता है 33, तो ये आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। देन कम एफ डी ई सॉरी ई, अब हम करेंगे इसका ई पार्ट, ई पार्ट कैसे है, देखो वैसे 23 माइनस माइनस 12, हेयर अगेन 23 माइनस माइनस इज प्लस 12, तो क्या आता है 23 प्लस 12 कितना होता है 3 प्लस 2 5, 2 1 प्लस 1 3, 35 इज योर आंसर, ठीक है ना। इसी तरह आप कर रहे हैं हमने इसका एफ पार्ट, नीचे को करेंगे एफ पार्ट, माइनस फिर से लिखा है 32 ब्रैकेट्स एंड माइनस माइनस 40, तो देखो कैसे करना है, इज इक्वल टू माइनस सबसे पहले ब्रैकेट हटाने हैं, माइनस 32 माइनस माइनस इज प्लस 40, ओके सेकंड स्टेप, माइनस प्लस इज माइनस, यानी 40 में से 32 निकाले तो क्या आता है 40 माइनस 32, यहाँ कर दो 10 माइनस 2 8, ओके यहाँ पे क्या रह गया 3, तो क्या आएगा 8 इज योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ प्लस बड़े का साइन है, माइनस छोटे का, तो ऐसे आपने क्वेश्चंस करने हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे, बस इतना मैं बता दूँ, फिर से बताती हूँ, माइनस 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 क्या होता है, माइनस माइनस इज प्लस, ठीक है, प्लस माइनस इज प्लस माइनस किसके बराबर होता है माइनस के, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है ना, या
माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस प्लस इज प्लस। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये अब मैंने कितने इसके पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पार्ट्स आप अपने कॉपी पे उतारना, कल इसका अगले वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके।